हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो बताने से पहले प्लीज़, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे DTH की। DTH तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपने DTH लगाने के लिए DTH लगाने के कितने रुपए खर्च किए होंगे, याद कीजिए। अगर टाटा स्काई का लगाया होगा तो लगभग दिए होंगे 1500। एयरटेल का लगाया होगा तो लगभग वही 1400-1500। DTH लगाया होगा तो करीब 1200-1300 रुपये। मतलब सबके अपने अपने चार्जेस हैं और लगभग 1000 रुपये के ऊपर ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्राई ने कह दिया है कि ट्राई, तो जानते ही होंगे आप, ट्राई वो संस्था है जो इन सबके ऊपर है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो इन सब ऑपरेटरों को देखता है, कमांड रखता है। उसने इन सबको कह दिया है कि अब कोई ऑपरेटर किसी भी कस्टमर से DTH इंस्टॉलेशन के किसी भी कंपनी का हो 500 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता। अब जितने भी DTH ऑपरेटर हैं वो परेशान हैं, क्या करें हम। लेकिन वो ये कर सकते हैं कि वो कस्टमर से लेंगे 1500-1200 जो भी चार्जेस हो, और लेकिन अब ये हो सकता है कि ऑपरेटर कस्टमर से तो 1500 या 1200 जो भी हो लेंगे, लेकिन 500 रुपए इंस्टॉलेशन का निकाल कर बाकी जो बचे 1000 या 800 रुपए वो कस्टमर के डिपॉजिट के तौर पर रख लेंगे। आगे जब भी कस्टमर ऑपरेटर चेंज करना चाहता हो या DTH हटवाना चाहता हो तो उस ऑपरेटर को कस्टमर के 1000 या 800 रुपए जो भी हो वापस करने होंगे। ये यहाँ पर ट्राई का नया रूल आया है और ये सबको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, कंपनी कोई भी हो, कैसी हो, लेकिन इसमें अब फायदा होने वाला है सिर्फ कस्टमर का। तो ये कैसी खुशखबरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं इसी तरह आपको आगे वीडियो देता रहूँगा। कुछ अगर मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ मेरा कमेंट्स बॉक्स खुला है, कभी भी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक्स।